ये है दिल्ली दर्पण। अपने शरीर पर लगे जख्मों को दिखाती इस युवती को देखिए। ये बाहरी दिल्ली के किराड़ी इलाके में अपने परिवार के साथ रहती है। पीड़ित युवती की माने तो बुधवार दोपहर को ये अपनी मां के साथ नांगलोई में रोहतक रोड पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक से रुपए निकालने के लिए गई थी, जहां पर मौजूद दो लड़कों ने पहले तो पीड़िता के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी और उस पर भद्दे कमेंट पास किए, जिसका विरोध पीड़ित युवती और उसके साथ लाइन में खड़ी एक महिला ने किया। और इसी विरोध में महिला ने आरोपी लड़कों को एक थप्पड़ भी जड़ दिया, जिसके बाद मनचलों ने भी महिला को वापस थप्पड़ मारा और साथ ही पीड़ित लड़की को धमकी देने लगे। पीड़िता ने बताया कि उसने तुरंत 100 नंबर पर पुलिस को कॉल कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी लड़कों को धमकाया और पिटाई कर वहां से भगा दिया। लेकिन जाते जाते आरोपी मनचले युवक पुलिस के सामने ही युवती को देख लेने की धमकी दे गए और मौके से चले गए। पीड़ित लड़की के मुताबिक वो डरी सहमी बैंक से करीब आधे घंटे बाद बाहर निकली तो करीब 100 मीटर की दूरी पर पहुंचते ही दोनों मनचले आए और उन्होंने रिक्शा रोककर लड़की को गालियां देना शुरू कर दिया और उसके चेहरे पर ब्लेड से वार करने की कोशिश की, लेकिन पीड़िता किसी तरह से पीछे हो गई, जिसके बाद आरोपी मनचलों ने उसके हाथ पर ब्लेड से गहरा घाव कर दिया। पीड़िता ने बताया कि दिन दहाड़े सरेआम नांगलोई जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में मेट्रो स्टेशन के पास उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया और मौके पर खड़े सैकड़ों लोग तमाशा देखते रहे और दोनों मनचले हमला कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी और शिकायत के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए प्रभाकर राणा की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर